सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी वो एक काम करने में व्यस्त थी। यूरोप के इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ने इस बात को रेकग्नाइज किया कि अब दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है और वर्तमान समय को टैकल करने के लिए हमें कुछ नई बातें चाहिए। जो पुरानी बातें थी, पुरानी जो भी थियोरीज थी नॉलेज को लेकर वगैरह वगैरह, वो अब काम नहीं कर पाएंगी। और इसलिए 1950 से 1980 के बीच बहुत सारा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रहा है। हमारे सामने जैसे रोलैंड बार्थ्स का नाम आएगा, मिशेल फोको का नाम आएगा, जां पॉल सार्त्रे का नाम आएगा। ये वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि बहुत सोचेंगे, विचारेंगे और नए नए थियोरीज लेकर आएंगे। और उनमें से सबसे प्रभावशाली मिशेल फोको रहे हैं। फोको एक और इंटेलेक्चुअल निच उनसे इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं। तो नीचे ऐसा क्या कहते थे? पहले एक धारणा थी कि जिससे हम हिस्ट्री कहते हैं, मतलब नॉलेज जो है हर युग में हमारी यानी इंसान की रैशनल फैकल्टी और इम्प्रूव होती है तो नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। और हिस्ट्री एक किस्म का रैशनल डेवलपमेंट है उस नॉलेज का। इस आइडिया को रिजेक्ट किया है नीचे ने। नीचे कहते हैं कि नॉलेज पावर से लिंक्ड है। कोई भी चीज नॉलेज के मामले में जो किसी भी जमाने में उठकर आती है, वो इसलिए नहीं आती कि ये तो सत्य है, दिस इज द ट्रूथ, ट्रूथ हैज वैल्यू, सो दिस इज नॉलेज एंड दिस नॉलेज हैज वैल्यू, दिस इज नॉट द थिंग दैट हैपेंस। ये नहीं होता। जो भी चीज नॉलेज के नाम पर जिस भी युग में, जिस भी टाइम पीरियड में उठकर आता है, वो केवल इसलिए आता है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है उन लोगों ने उसको अलाउ किया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, उसे रेकग्नाइज किया है। इसलिए दोज इन पावर डिसाइड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज हैज टू बी सैंक्शनड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। नॉलेज इमर्जेस, उठकर उभर कर नॉलेज इसलिए आता है क्योंकि एक ग्रुप जिसके हाथ में पावर है, उस ग्रुप के हाथ में पावर है तो वो क्या करता है, उसे लागू करता है अन्य ग्रुप्स पर और वो नॉलेज कहलाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉलेज उठकर आया है वो ही ट्रूथ है, वहीं से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं,
किसी भी चीज को किसी भी जमाने में नॉलेज बनने के लिए कई चीजें रिजेक्ट भी हुई हैं। वो जो रिजेक्टेड चीजें हैं उन्हें इग्नोर किया गया है। हो सकता है किसी आगे समय में, आगे जाकर किसी समय में उन्हें एग्जामिन किया जा सके। तो हिस्ट्री जो है रिलायबल नहीं है अकॉर्डिंग टू फोको। हिस्ट्री ट्रूथ है, हिस्ट्री रैशनल है, हिस्ट्री रिलायबल है। इन चीजों को फोको नहीं मानेंगे।